नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज़ न्यूज़ में। आइए हम आपको बताते हैं, मंडार कस्बे में उत्तम किराना के पास महादेव जी की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक पानी की घरेलू टंकी से अवैध रूप से रोज़ पानी बहता है। आप देखिए, इनके जो बाहर की जगह है वहाँ पर देख के आप देख सकते हैं कि कई दिनों से, कई सालों से एक मकान बंद है, फिर भी वो लोग अपना नल चालू करके चले गए हैं। इसी तरह से एक सामने की तरफ और एक पानी की टंकी है जिसमें से अवैध रूप से ओवरफ्लो होकर पानी बहता है। आप समझ सकते हैं कि इस गर्मी के मौसम में पानी की बड़ी किल्लत होती है और पानी बेवजह यूं ही बहाया जा रहा है। आप देखिए, दूसरी टंकी है जहां पर ये पानी बह रहा है और आप समझ सकते हैं कि बेवजह ओवरफ्लो हो रहा है, जिसको रोज़ हो रहा है। लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है और यहाँ बेवजह नालियों में पानी बह रहा है। वहाँ पर लोगों ने बताया कि हमने संबंधित विभाग से भी बात की और मकान मालिकों से भी बात की, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कि जब भी हम आएंगे तो हमें पानी मिलना चाहिए। वो 4 महीने में, 6 महीने में, साल भर, 2 साल भी नहीं आते और पानी रोज़ बहता रहता है। तो इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए प्रशासन की तरफ से। जलदाय विभाग को भी इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।